हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो स्टूडेंट मेरा नाम है दीपक शर्मा, आपका फेवरेट चैनल डीएस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट आज का बहुत अच्छा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास एटीएम, एवरेज एटॉमिक मास एटीएम आज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, इससे स्टूडेंट आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत अच्छा टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। जब कोई भी एलिमेंट नेचर में एक से अधिक फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसका हम उस टाइम पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। आप इसको फिर से जान सकते हो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो उसका कौन सा एटॉमिक मास हम ले, तो इसमें बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कार्बन है, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, तो हम इसका कौन सा मास लें, तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें रिक्वायरमेंट पड़ी एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट क्या थी, इसमें रिक्वायरमेंट ये थी इसकी कि जब कोई एलिमेंट है वो नेचर में एक से अधिक फॉर्म में पाया गया, ठीक है ना, तो उस टाइम हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हमेशा हम आइसोटॉप का केवल कैलकुलेट करते हैं। किसका, आइसोटॉप का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, 1 एंड 1, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप। मीन्स आइसोटॉप का आप क्या जनरल साइड डेफिनेशन देंगे, आइसोटॉप इन विच देयर एटॉमिक फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच हैज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मीन्स एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट जिसमें उसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। और हमेशा हम आइसोटॉप का ही एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास केवल हमेशा आइसोटॉप का ही किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नेचर में एक से अधिक फॉर्म में पाया गया, दैट मीन्स वो आइसोटॉप पाए गए। तो जब एक एलिमेंट का एक से अधिक आइसोटॉप पाए गए, तो उस कंडीशन में उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया और उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है, दो क्लोरीन होते हैं, ठीक है ना, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है। कार्बन के 3 हो जाएंगे, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, ठीक है ना, इसके बाद कार्बन 14 होते हैं। आर्गन है, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट है, आयरन है, कई ऐसे एलिमेंट है जिनका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन्स उसका एटॉमिक मास एक से अधिक होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट हमें इसके लिए पड़ी, जब नेचर में कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया गया, या कह सकते हो उसके आइसोटॉप बनते गए, तो उस कंडीशन में हम उसका क्या निकाल लिए, एवरेज निकाल लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है क्लोरीन, क्लोरीन पे बेस है क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा नेचुरल एबंडेंस, क्या हो जाएगा, नेचुरल नेचुरल एबंडेंस है, ठीक है ना। तो नेचुरल एबंडेंस के बाद क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, यहां पे डालेंगे एटॉमिक मास, ठीक है ना। एक तरफ आप क्या डालेंगे, नेचुरल एबंडेंस, एक तरफ एटॉमिक मास। तो नेचुरल एबंडेंस जो क्लोरीन 35 का है, ठीक है ना, क्लोरीन 35 का जो होता है,
ये होता है 75.77 और इसका जो आपका हो जाएगा क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास, तो ये हम ले लेते हैं 34.968, क्लोरीन 37 का 24.23 और इसका कितना हो जाएगा 36.965। ये मीन्स आपका जो दिया है नेचर में इतना परसेंट ये है और इतना परसेंट ये है। इसमें नेचुरल एबोडेंस जो आप देख रहे हो क्लोरीन 35 75% पाया जाता है और ये कितना परसेंट इतना, तो दैट मीन्स नेचर में जिस जितना परसेंट उसका पाया जा रहा है उसको हम कर दिए नेचुरल एबोडेंस। तो हम इसको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एवरेज, इसका एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लो। तो दैट मीन जो इसका नेचुरल एबोडेंस है, नेचुरल एबोडेंस परसेंट में है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 75.77 डिवाइड बाई 100 इस इनटू मल्टीप्लाई इसी के एटॉमिक मास में कर देंगे 34.968, इसके बाद प्लस कर देंगे, फिर इसका नेचुरल एबोडेंस 24.23 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या कर देंगे 36.965। इसको इसी के परसेंटेज में 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, पूरा कैलकुलेशन कर लो इसका, तो क्या हो जाएगा 75.77 हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा और इसको भी आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे आ गया। चलो कर लिया कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोरीन का जो आता है 35.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35.5 U। ये क्लोरीन का एटॉमिक मास आ गया, किसका गया क्लोरीन का एटॉमिक मास यहाँ पे आपको मिल गया, क्लोरीन का एटॉमिक मास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट HCl है, HCl में हम इसका एटॉमिक मास क्या लेते हैं हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं था कि हम क्या ले, तो इसके लिए इसका एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट कर लिए तो हमें पता चल गया कि क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक मास लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, CaCl2 है तो इसका क्या निकालना है, यहां पे इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो आप फटाफट इसको नोट कर लो, नो डाउट हम दूसरा एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। हो गया, चलो लिख लो आप फटाफट। चलो हमें क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। वंस अगेन आयरन है, ठीक है, आयरन एक 54 है, एक आयरन 56 है, आयरन 56 आप ले लोगे, एक आयरन है आपका 57, ठीक है ना, तीन आयरन है। अब तीनों का नेचुरल एबोडेंस तो यहां पे आप डाल दोगे नेचुरल और यहां पे आप एटॉमिक मास इसका नोट कर लोगे, यहां पे एटॉमिक मास एक जगह आप नेचुरल एबोडेंस, एक जगह उसका एटॉमिक मास। तो इसका नेचुरल एबोडेंस हम आपको दिखा रहे हैं कितना है, इसका नेचुरल एबोडेंस आपका 5 है, इसका 90 है, इसका कितना है 5, ये परसेंट में है सर। इसका जो आप ले लिए 54 है, इसका 56 है, इसका 57। तो वंस अगेन स्टूडेंट इसमें भी हम क्वेश्चन दे दिया है, तो नेचुरल एबोडेंस में 100 का डिवाइड करेंगे इनटू ये कर देंगे प्लस प्लस, ओके
तो ध्यान दीजिए, 5 में डिवाइड बाय क्या करते हैं कि 100 इनटू क्या हो जाएगा 54, इसके बाद प्लस 98 डिवाइड बाय 100, 90 डिवाइड बाय 100 इनटू क्या हो जाएगा 56, फिर प्लस 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 इनटू 57, कर लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पुटअप किया था आईटी 2009 में, ये पुटअप किया था आपका, ठीक है ना, 2009 में क्वेश्चन पुटअप किया था। इसमें 4 ऑप्शन है, 55.85, बी आपका है 55.95, सी है 55.75 एंड डी आपका है 55. ठीक है ना, तो ये ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या रहा है मेरे को बताओ। हो गया, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आ जाएगा 55.95, कितना जाएगा 55.95 एक्यूरेट आ जाएगा, और आयरन का 56 मानते भी है, ठीक है ना, तो 56 के पास में यही है। तो इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट, आप नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन इसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन और है, आप नोट कर लो इसको। वंस अगेन वही क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। केवल आपका नेचुरल एविडेंस अगर दिया है, नेचुरल एविडेंस दिया है, तो हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पे है, आर्गन 36 लिया है, आर्गन 36 लिया है, इसका नेचुरल एविडेंस आपका लिया है 35, नेचुरल एविडेंस इसका लिया है 0.337% एंड इसका एटॉमिक मास जो लिया है 35.967, इसके बाद आर्गन 38 का जो आपका लिया है 0.063%, 37.962, आर्गन 40 है इसका लिया है 99.600%, इसका 39.962, ओके, तो ये आपका लिया है। तो दैट मीन्स आप फिर से प्रोसेस आप अप्लाई कर दोगे, प्रोसेस आप क्या अप्लाई करोगे, वही वंस अगेन आप प्रोसेस अप्लाई कर दोगे कि जो इसका नेचुरल एविडेंस है इसमें 100 से डिवाइड करोगे, नेचुरल एविडेंस डिवाइड बाई 100 हो गया, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस, फिर प्लस, जो पिछला रूल है वही आप अप्लाई करो, देखो इसमें क्या आ रहा है, करो फटाफट करो। हो गया, फटाफट कर लो इसको, जिसका आ जाएगा 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो दैट मींस इसको हम लेते हैं कितना है आर्गन का, आर्गन का 40 लेते हैं, कितना लेते हैं आर्गन का जो यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, आर्गन के यहाँ पे जो दे दिया तो आएगा कितना 40, हम इसका मानते हैं, किसका मानते हैं, इसका 40 मानते हैं। प्रोसेस वंस अगेन वही फिर से रहेगा, इसमें ध्यान दो, आप कर लेंगे 0.337 डिवाइड बाई 100 इनटू क्या कर देंगे, इनटू हो जाएगा आपका
35.967 प्लस क्या कर देंगे इसको 0.063 डिवाइड बाय 100 इनटू 37.96 तो प्लस 99.600 डिवाइड बाय 100 इनटू क्या कर देंगे 39.96 या पूरा कैलकुलेट करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे ठीक है ना तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा इसको भी आप नोट कर लो हो गया तो इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का ये आपका मेथड था ठीक है ना तो यहां पे ध्यान दीजिए मैं बोलूंगा कि जिन बच्चों को वीडियो नहीं समझ में आया लेक्चर समझ नहीं आया आप प्लीज एक बार वीडियो को अच्छे से फिर से देखो आपको सेकंड राउंड में वो सारी चीजें आप अच्छे से देख पाते हो जो फर्स्ट राउंड में केवल आप चीजों को समझने में लगा देते हो तो आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट मैं किया हूँ एक्सप्लेन किया हूँ ठीक है ना कैलकुलेशन बहुत ईजी है तो आप अच्छे से करो और यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट मैं जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला पे भी मेरा लेक्चर है लेक्चर 5 आप यूट्यूब पे सर्च करना ठीक है ना उसके भी अच्छे क्वेश्चन हैं अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से देखो सारे वीडियो में बहुत इजी फॉर्म में बहुत इजी पैटर्न पे ड्रा किया हूँ एक्सप्लेन किया हूँ उसको आप अच्छे से देखो और जो न्यू बच्चे हैं वो आप वीडियो को स्टार्ट से देखें सभी वीडियो को अच्छे से देखें समझें आपके जो डाउट है वो डाउट जरूर क्लियर होंगे ठीक है ना तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो वीडियो है उसको आप एक बार अच्छे से देखो जानो और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ओके स्टूडेंट चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा मोलैरिटी नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी पे ओके स्टूडेंट देन बाय बाय